नमस्कार, MP24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चौड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ नसबंदी शिविर का आयोजन। शिविर का आयोजन जो सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुआ था, शाम 5 बजे तक आयोजित होना था। टारगेट से अधिक संख्या होने के कारण सर्जनों की टीम ने रात्रि 9 बजे तक शिविर का आयोजन किया। आइए देखते हैं MP24 न्यूज जिला ब्यूरो चीफ देवेंद्र वर्मा के साथ चौड़ी संवाददाता अंकित वर्मा की रिपोर्ट। अरे सर, ये तो बताइए कि डॉक्टर साहब आए कब? कितने बजे आए हैं डॉक्टर साहब? अभी 7 बजे करीब आए। बोलो अब इतनी ठंड में आप लोग को जाने का? बच्चे जो कुहार मचाए हैं कैसा करें बताओ? कोई के पास साधन है नहीं है, दूर दूर से आए हैं, कैसा करें? आपकी डॉक्टर साहब से संबंध में बात हुई है? नहीं, वहाँ अंदर जाने को तो मौके ही नहीं है, कहाँ से जाओगे आप? कितने लोग होंगे ऐसे जिनके अभी ऑपरेशन हुए नहीं है, बाकी हैं? अभी बहुत आदमी हैं, बहुत आदमी हैं। अब तो अंदर वाली बता सकते हैं कितने आदमी रह गए और कितने नहीं रह गए, वही बता सकते हैं। अभी तो कम से कम 40 ही हुए ना, वही देखो 90 हैं पेशेंट। 40 हुए हैं। आप कहाँ से आए भैया? कहाँ से? लखेपरिया से। तो आप कितने बजे आ गए थे सुबह? हम आए थे 9 बजे। सुबह के 9 बजे आए थे और अभी लगभग रात के 7:30 करीब बजने वाला है और अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है। इतनी ठंड में आप कैसे कर रहे होंगे? अरे सर, आप ही बताएं हम कैसे काटे, छोटा सा बच्चा है हमारा। आप साधन आपका जाने का? साधन कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है। अभी हम साधन पूछ रहे हैं, कोई कहते 500 लेंगे, कोई 600 लेंगे, बताओ। गाड़ी वाले भी रात का समय जो खड़े हैं भाई, उनकी मर्जी की बात, तुमको जाना तो जाकर मत जाओ। 200 लगते वहाँ, 800 नहीं है किसी बात का, कैसा कर सकते जी? मंदरिया से। कितने केस लेके आए थे आपने? एक ही केस लाए थे। कितने बजे आए थे आप? 12 बजे। अभी हो गया ऑपरेशन? कितने बजे हुआ? तो 6 बजे तो कम्प्लीट हो गया था पूरा, और 7 बजे शायद 7:30 बजे हम उनको फोन किया। जिनको आपने लेके आए हैं तो क्या वो खुद के साधन से आए हैं कि अपनी सरकारी गाड़ी यहाँ से जाएगी? सरकारी गाड़ी का प्रावधान पहले से भी नहीं था, अभी भी नहीं है। हम लोग दिख रहा है कि मतलब एक दूसरे 4-5 केस करके ऐसे असमंजस बना के लेके आते कि हिजराई को भी दिक्कत ना हो और हम लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। आपको टारगेट दिया गया था? टारगेट तो हमारा हर वर्ष कर। कितना टारगेट था आपका? सर, चौरी में जो महिला नसबंदी कैंप लगाया गया है तो उसमें कितनी महिलाएं हैं जो लाभान्वित हो रही हैं सर? आज अपने पास 89 मरीजों का पंजीयन हुआ है गर्भ अपना नसबंदी के लिए जी। उसमें से 89 महिलाओं का सफल ऑपरेशन हो चुका है जी। अभी लेकिन सर बाहर कोई भीड़ लगी हुई है, अभी कुछ लोग रह गए हैं? हाँ, कुछ अभी चल रहे होंगे, मेरे ख्याल से 15-20 बच्चे हैं जी जी, है ना, जो बाद में एक्स्ट्रा आ गए थे 1:30-2 बजे के बाद। तो फिर हमने पहले तो उनको वापस पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन उनने कहा बाद में हम नहीं आ पाएंगे, तो फिर हमको लेना पड़ा, इसलिए आज थोड़ी पब्लिक ज़्यादा हो गई। हमारा टारगेट जो था 60-65 था जी, लेकिन तो जो लोग ज़्यादा आ गए थे तो उनको वापस भेजना थोड़ा विधि सम्मत नहीं था, इसलिए हमने उनको केस में लिया है और उनका ऑपरेशन हो गया। लेकिन सर कुछ महिलाओं का कहना ये है कि हम लोग 9 बजे से आए हुए हैं लेकिन अभी लगभग 8 बजने को हैं और अभी तक ऑपरेशन नहीं हो पाया है जी। मेरे पास जो पहली महिला आई थी वो मेरे को ध्यान है, वो 11:30 बजे आई थी कि सर फॉर्म कहाँ भराते हैं, अगर उसके पहले कोई महिला आई है तो वो मेरे को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सर इतना लेट हो गया कि छोटे छोटे बच्चे लोग हैं और ठंड में काफी परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या था कि आज अमरवाड़ा जो अपना विकास खंड है वहाँ भी कैंप था, तो वहाँ पहले 50 केस प्रस्तावित थे लेकिन वहाँ भी एकदम से ज्यादा केस आ गए, वहाँ लगभग 80 केस हुए हैं, इसलिए हमारे सर्जन साहब थोड़ा लेट हो गए हैं। आगे से हम कोशिश करेंगे कि हिंद्राइयों को परेशान ना होना पड़े। तो सर क्या जनरल जो है अपने जो ऑपरेशन कर रहे हैं जी, तो वो क्या एक ही हैं जी? अपने पास जो छिंदवाड़ा जिले में जो 2 सर्जन हैं, एक डॉक्टर कड़वे सर हैं और एक डॉक्टर ढाकरिया सर हैं जी, जो बाकी विकास खंडों में बटे हुए हैं। अपने विकास खंड के लिए कोई सर्जन नहीं था, हर्रई अमरवाड़ा और चौरी के लिए, तो इसके लिए अपन ने
जेडी मैडम से आदेश प्राप्त लेके और जो सर्जन है डॉक्टर धाकड़ नरसिंहपुर जिले के, उनको यहाँ बुलवाया है। तो वहाँ से आने में थोड़ा लेट हो जाते हैं क्योंकि रास्ते भर उनको कैंप करने आना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है कैंप। सर एक ही दिन में तीन तीन सर्जन का तीन दिन जगह में ऑपरेशन होना? सर ये बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये जो प्लान बनाते हैं ये जिले लेवल से प्लान बनता है कि कौन से सर्जन किस दिन कहाँ जाएंगे। तो इस संबंध में अगर सीएमओ सर से बात की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि सर जिस तरीके से एक ही दिन में तीन तीन जगह में ऑपरेशन हो रहे हैं तो स्वाभाविक इतना टाइम तो होगा। सर आज तो खैर दो जगह हुए हैं, मैं तो अपनी बात बोल रहा हूँ कि नरसिंहपुर से आते तो हर रही है, कभी हर रही और चौरी ले लिया, कभी उन्हें हर रही अमरवाड़ा ले लिया, कभी अमरवाड़ा चौरी ले लिया, तो ऐसे करते हैं वो। क्योंकि उतनी दूर से आते तो वो भी बोलते कम से कम भाई मैं दो कैंप करने आऊँगा उतनी दूर से आ रहा हूँ। तो सर महिलाओं को जैसे अब जो ऑपरेशन दूर दूर से महिलाएं आई हुई हैं, अब जो ऑपरेशन होना है तो ये खुद के साधन से आए हैं कि कोई सुविधा है गवर्नमेंट तरफ? जी नहीं, जी पहले क्या